जिबरील दरवाजे ते ओले खड़ा हजूर वेख के फरमाया जिबरील आ जा हथकी कमली वाले किवें आवां ज़हरा बैठी है बेड़े विच फरमाया तू केड़ा इंसान है तू ते फरिश्ता है तू ते आ जा आख्या सोने फरिश्ता होना अपनी जगह ज़हरा दा हया अपनी जगह जिद को रब दे फरिश्ते हया कर उस बेटी की हया का की आलम होगा जिद को फरिश्ते हया कर दे जिद सिर का वाल कद आसमान ही वेख्या पैर की तली कद जमीन ने वेखी गिरामी कदर हजरात उस वे पता नहीं बाप के पुत बेटे की भाई की गैरत कितने टुट जाती है मेरा मुआशरा है ना कि बेटी नु दुल्हन बना के शादी वाले दिन ते हजारा बरातियां दे सामने स्टेज ते सजा के ते बिठा देंदे हजारा लोगों दे सामने आप ही बाप ते भाई बिठा देंदे उस वेले पता नहीं भाइयों की गैरत ते बाप की गैरत ते खामद की गैरत कित्थे टुट जांदी है काश उस वेले कोई ना बोले बेटी बोल पवे ते आखे अबू जी मैनू ए क्यों वेखन मैनू आ वेखे जिदड़ा मेरा नकाह पड़िया जे मैनू वेखा मैनू वेखे मैनू गैर क्यों वेख अपने घर गैरत का इहतमाम परदे ते हया का इहतमाम करो इवें ना कोई बेटी समझे कि होरे इस्लाम मैनू कैद कर रहा है परदे दे अंदर नहीं नहीं इस्लाम कैद नहीं कर रहा सन्यारे की दुकान होवे कदे वेख्या होवे सन्यारा आखे मेरे को बड़ा सोहना है ते मैं अपनी दुकान नू ताला भी सोने दा लगाया है नहीं ना दुकान सुनियारे दी होवे ज्यूलर्स दी दुकान होवे अंदर सोना हीरे हुंदे ने मगर बाहर ताला लोहे दा हुंदा है क्योंकि जे बाहर ताला भी सोने दा लगा दिती है ते चोर नू अंदर जाण दी लोड़ भी केड़ी है पता लगे जिहड़ा खजाना होवे ना वो बाहर नहीं रखीदा वो ताले च रखीदा है ऐ इस्लाम दी बेटी तू खजाना है तू जेवर है इस्लाम दा खजाना है सलाम दा ते खजाने कोई गलियां च ते नहीं ना रखी दे खजाने ते तिजोरी च संभाल के रखी दे ने पर्दे च रखी दे ने हो सकता है किसी बेटी दे ज़हन च ख्याल आवे कि मैं पिछे टुरनी हाँ मेरा शौहर अगे चलता है किसी बच्ची नूं ख्याल आवे मैं पिछे टुरनी हाँ मेरे अबू अगे चलते ने मेरा भाई अगे चलता है मेरा शौहर मेरा बेटा ही अगे चलता है कि साडे मुआशरे दा कानून है हमेशा मर्द अगे चलता है औरत पिछे टुरदी है मत किधरे बेटी दे ज़हन च ख्याल आ जावे होरे मेरी मुकाम मेरी इज्जत थोड़ी है कि मैं औरत होके पिछे चल रही हाँ एक औरत आई सी ना किसी बाबे कोल ते उन्हें आख्या बाबा जी ये मैनू हुक्म है मैं शोहर की फरमा बरदारी करा ये मर्द क्यों नहीं हुक्म दिता सलाम ने कि मेरी फरमा बरदारी करे मैं ही मर्द की क्यों करा बाबा जी ने फरमाया बेटी तेरे पुत्र किन्ने ने कह लगी अल्लाह ने मैं चार पुत्र दिते ने ते बाबा जी फरमान लगे बेटी तेनों ते एक मर्द हो जेड़ा तेरा शौहर है ओदी फरमा बरदारी दा हुक्म है पर वो जेड़े चार मर्द ने ना उन्हां नूं तेरी फरमा बरदारी दा हुक्म है तेनों शौहर पसंद ना आवे तू ते खुला लैके तलाक भी लै सकनी है पर वो जेड़े चार मर्द जिन्हां नूं तेरी फरमा बरदारी दा हुक्म है ना वो मां नहीं बदल सकते उन्हां दी जन्नत तेरे कदमां थले रहेगी इस्लाम ने ते तेनों इज्जत ही बड़ी अता कर दिती है किसी औरत नूं इह ख्याल आवे मैं पिछे अली जालू कव्वा मुना अलन निसा के मर्द अगे चलदे औरत पिछे चलदी ते औरत नूं किधरे ख्याल ना आवे कि होरे मेरा मर्तबा घाटे नहीं नहीं ऐ इस्लाम दी बेटी असल वजह वे ओ जिहड़ा शौहर भाई बेटा बाप अगे चलदा ना ओ इस वास्ते नहीं चलदा कि तेरी इज्जत थोड़ी ओ इस वास्ते अगे टुरदा है कि ओ जमाने नूं दसना चाहुंदा है कि आ जिहड़ी मेरे पिछे औरत आ रही है ना मां बहन बेटी बीवी किसे भी रूप च आ जड़ा मैं अगे पिया टुरना मैं दवा पहरेदार जमाने की जेड़ी तत्ती हवा ते जेड़ी बुरी नजर एदे तक जानी है पहले मेरे ते आवेगी फिर एदे तक जानी है तेरा पहरेदार बन के अगे पे चलदा है तेरी इज्जत वधा रहा तेरे अगे चल के ते अल्लाह ने तेरे पहरेदार बना के रखे ने सारे परदा तेरा पहरेदार बना के रखे तेरे ते किसी गंदे की गंदी नजर ना पै जाए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बाजार चो ओ गोश्त कसाई कोलो ना खरीदिया करो जेड़ा उन्हें बाहर लटकाया हुंदा जिदे ते लोगां दीआं नजरां पैंदीआं है क्योंकि नजरां भुखियां नजर आउंदीआं ने हिरस दीआं अखियां उस गोश्त विच लज्जत मुक जांदी है नजर बरहक है ना
है ना। नबी पाक ने फरमाया नजर हक के लग जाती है, जब बच्चे नू लग जाती है, बड़े नू लग जाती है, गोश्त नू भी लग जाती है। हिरस दिया निगाहां जेडे गोश्त ते पैवन उहदे चो लज्जत मुक जाती है। ते मैनू सच्ची दस, जेडी बेटी उते लोगां दिया हिरस दिया गंदिया निगाहां पैण, उस औरत चो फिर नेक औलाद पैदा हो सकदी है? कदी भी नहीं। इस वास्ते इस्लाम ने तैनू आख्या तू परदे च रहे। अक्सर तुसा जुमला सुनिया काबे नू इस वास्ते परदे च लटका के नहीं रखिया कि काबे कोई परदा इस वास्ते नहीं दिता, या वलियां दी कबरां ते इस वास्ते असी चादरां नहीं चढ़ांदे कि साडे कोल कपड़ा ज्यादा है। नहीं, हर कबर ते असी भी चादर नहीं देते, असी वलियां दी कबरां ते चढ़ाने आ। हर मकान ते असी भी परदा नहीं लटकांदे, असी काबे ते लटकाने आ। हर किताब ते असी भी गिलाफ नहीं चढ़ांदे, गिलाफ दी कुरान पाक ते चढ़ाने आ। पता चलिया इस्लाम दे अंदर जिहड़ी इज्जत वाली चीज होवे उह परदे च रखी जांदी है। तैनू इस वास्ते परदे च रखिया, तू इज्जत वाली चीज है। जब कभी गैरत इंसानी का सवाल आता है, फातिमा जहरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। नबी पाक ने फरमाया पिछले जमाने की एक बदकार औरत जा रही, बदकार तवाइफ बनी इसराइल, उन्हें वेख्या कि कुत्ते का बच्चा एक कुएं के किनारे प्यासा पिया मर्द है। नबी पाक ने फरमाया ने अपना दुपट्टा उतार के अपनी जुत्ती दुपट्टे दे नाल बंद के उस जुत्ती नू कुएं च लटकाया। जुत्ती दे विच जितना पानी इकट्ठा होया उन्हें पानी कुत्ते नू पिलाया, कुत्ता बच गया। कयामत नू अल्लाह ने उस बीबी नू जन्नत च भेजना है। तवाइफ बदकार और कीता की दुपट्टा जुत्ती नाल बंद के जुत्ती नाल पानी निकाल के कुत्ते नू पिलाया ते जावेगी जन्नत च। है बदकार पर दुपट्टा लेंदी है भाई, है सी ते उतारिया ना। तू आखे मैं दुपट्टा भी नहीं लेना ते मैनू अखबार च ए भी लिखो के बड़ी इज्जतदार औरत है, इंज नहीं हो सकता। उस जमाने दी ते पदकार भी दुपट्टा लवे, तू इज्जत वाले खानदान दी हो के दुपट्टा ही ना लवे, तेरे नाल ते ओ चंगी। दुपट्टा लै सिर ते जे इज्जत चाहनी है, मेरा जिसम मेरी मर्जी नहीं चल रही। जिसम तेरा कितों, तेनू किने दसिया? तेरा पुराने जमाने च माई दा चरखा खराब हो जांदी सी ते गवांडन नू कहंदी सी बीबी जरा दो दिन चरखा उधारा देवी मैं पूणियां कतनियां ने। वो चरखा देंदी सी, दो चार पांच दिन बीबी ने चरखा रख के कतना, जिहड़ियां पूणियां कत लैनियां वो अपनियां ते चरखा चरखा मुड़ मालकां दा। आ जिहड़ा तैनू चरखा दिता है ना, यह मर्जी तेरी नहीं चलनी, यह चरखा मालकां दा, पूणियां अमलां दियां कत ओ तेरे, चरखा मुड़ मालकां दा, चरखा मालकां वापस लैणा है अपना। यह मालकां उधारा दिता है तैनू अमलां दियां पूणियां कत्तण वास्ते, इहदे नाल पूणियां अमलां दियां कत चरखा मालकां पूरा वापस लैणा है। इहदे च तू धोखा नहीं, फरेब नहीं कर सकदी, इह उधारी चीज है, इहनू खराब नहीं कर सकदी। जिवें मालक दित्ती है उवें वापस लैनी है।